अवामी वज़ीर-ए-आला का अवामी अंदाज, सरदार उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल मॉल रोड पर सफर, ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी, सिग्नल पर गाड़ी को रोक लिया। दरबारों के गलों में जमा होने वाले चंदों से मुतालिक केस, चीफ जस्टिस का गलों के पैसों से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सालाना 85 करोड़ रुपए जमा होता है, फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं वकील औकाफ। आप तमाम चंदा तनख्वाहों और तजीनों आराइश पर लगा देते हैं, गलों के पैसे खुर्द बुर्द हो रहे हैं, लोग पैसे बंदर बांट के लिए नहीं देते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी। नालायन मुबारक की चोरी, अकीदा का केस है, इतनी कीमती चीज चोरी होगी और हमें पता ही नहीं। नालायन मुबारक की चोरी से मुतालिक रिमार्क्स, जेआईटी के तमाम नुमाइंदों को तलब कर लिया। ये आम केस नहीं कि मुकदमा दर्ज करवाया और बैठ गए चीफ जस्टिस। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक केस की समाप्त, अस्पताल की बहाली के लिए हर हद तक जाऊंगा, अस्पताल में घास पौधों के लिए भाई फेरू भी नहीं जाना पड़ा तो जाऊंगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। ग्रेटर लाहौर सोसाइटी के बारे केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नैब को 15 दिनों में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कई लोग सोसाइटीज पर सांप बनकर बैठ गए हैं, ट्रांसफर कराने पर लोग सियासी सिफारिशें तलाश करते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सियासी, समाजी और पुलिस अफसरान की मुलाकातें, अंजुमन आराइया के सदर मियां सईद डेरेवाला के वफ्द के हमरा मुलाकात। डैम फंड के लिए चेक दिया डीआईजी लीगल पंजाब अब्दुल रब और सैफुल्ला और अब्दुल्ला मलिक की भी मुलाकात। सेहत याबी पर गुलदस्ता पेश किया, जैनब के वालिद हाजी अमीन भी मिले, खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वजीर इत्तला'आत अपोजिशन पर बरस पड़े, बोले गवर्नर पंजाब या वजीर आला के बारे में कुछ कहने से कोई बोहरान पैदा नहीं हुआ, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, इमरान खान ही लीडर हैं, बड़ा भाई वजीर आजम, छोटा भाई वजीर आला बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ पर हाथ डाला तो डीजी नैब की डिग्री जाली हो गई। मौलाना फजलुर रहमान पर भी खूब तनकीद, कहा हुकूमत की गाड़ी डीजल के बगैर भी अच्छी चल रही है, हुकूमत मजहबी क्यादत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, नजरियात की जंग गोली से नहीं दलील से जीती जा सकती है। अलीम खान की बैरून मुल्क जायदादों के बारे आगाह किया जाए, इमरान खान के हिसाब पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सवार हैं, फवाद चौधरी बताएं वो नैब के तर्जमान हैं या हुकूमत के, अवाम जानना चाहते हैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां कब मिलेंगी, तर्जमान नून लीग का मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। साबिक हुकूमत फवाद चौधरी के निशाने पर, कहा पिछली हुकूमत ने पैसे बुरी तरह से लुटाए, लाहौर में 70,000 फीकस और राजनपुर में सिर्फ 2400 खर्च किए। इमरान खान और पीटीआई के लिए तनकीद मसला नहीं, असल मामला डिलीवर करना है, लाहौर के सहाफी और मैं एक फैमिली की तरह हैं, आजकल डिजिटल मीडिया बहुत फाल हो चुका, पायरेसी पर काबू पाना जरूरी है, फवाद चौधरी का लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। गार्डन टाउन चेयरमैन पीटीआई सेक्रेटेरिएट में इजलास, पीपी 168 में जमीनी इंतखाब के हवाले से मुशावरत, मलिक असद खोकर को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। नजरियाती और नाराज कारकुनों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, कप्तान का खिलाड़ी हूं, आवाम की खिदमत मिशन है, अरशद दार, उमर डार और मलिक असद खोकर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में हाइड पार्क की तर्ज पर स्पीकर्स कॉर्नर बनाने की तजवीज, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तजवीज की मंजूरी दे दी, वजीर आला की स्पीकर कॉर्नर के लिए लाहौर में मुनासिब जगह तजवीज करने की हिदायत, एहतजाजगाह में शिकायत के लिए आवाज बुलंद करने की इजाजत होगी।
शहर में डाकू बेलगाम, सब्जेजार में घर में डकैती की वारदात, 6 डाकुओं की अहलखाना को यरगमाल बनाकर लूटमार, खवातीन से भी बदतमीजी, नकदी, तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार, सांदा के इलाके में चोर दुकान से मोबाइल फोन लेकर गायब। डीजी फूड अथॉरिटी का जौहर टाउन, मियां प्लाजा इतवार बाजार का दौरा, फलों, सब्जियों, चिकन, मछली, मिर्च, मसाला जात की चेकिंग, 12 किलो मिलावट ज्यादा मिर्चें मौके पर तल्फ, दो मन नाकिस फल और सब्जियां तल्फ, डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद का टाउनशिप इतवार बाजार का दौरा, अशिया की कीमतों का जायजा लिया। नोटिस ना कोई डिमांड, जिमखानों की बंदिश के खिलाफ बॉडी बिल्डर्स मैदान में आ गए, कश्मीरी गेट पार्क में पीएचए के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी, जिमखाने हालत बेहतर बनाने के लिए बंद किए, खसूसी कमेटी कायम, रिपोर्ट आने पर फैसला करेंगे, जिमखाने प्राइवेट अफराद को देने हैं या पीएचए इंतजामी मोर्चा चलाएगी, चेयरमैन पीएचए सैयद यासर गिलानी की वजाहत। सीनियर वजीर पंजाब का पार्क में शादी की तकरीबात का नोटिस, पार्कों में शादियों पर जिले हुकाम और पीएचए को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत, अवामी मुकामात की खूबसूरती खराब नहीं होनी चाहिए, सड़क बंद करके या पार्क में शादी की तकरीब खिलाफ कानून है, अब्दुल अलीम खान। ई चालान जमा न कराने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, सेफ सिटी अथॉरिटी ने 15 से ज्यादा गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया। रायबंद में आलमी तबलीग इज्तिमा का दूसरा मरहला, दुआ के साथ इख्तिताम पजीर, मौलाना इब्राहिम ने इज्तिमाई दुआ कराई, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन अमान के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं, सामान उठाए, लोग बसों, वैगनों और मोटरसाइकिलों पर वापस रवाना, रायबंद की राबता सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद रही। सोना आयात, सज गए ने गलियां बाजार, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर, गणपत रोड पर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों का रश, तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम बिलाल कॉलोनी से दारोगा वाला चौक तक मशाल बरदार रैली, फजा दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गई। खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह खान के हमरा फाउंटेन हाउस आमद, जहनी माजूर अफराद के साथ वक्त गुजारा, हाल अहवाल पूछा, मुस्तहक अफराद कौम का असासा हैं, बेसहारा अफराद से मिलकर दिली सुकून मिलता है, बुशरा माने। माजी की मारूफ अदाकारा रूही बानो की मुश्किलात कम ना हो सकी, कब्जा माफिया से तहफ्फुज़ दिलाया जाए, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील, रूही बानो ने कहा कि गुलबर्ग के प्रॉपर्टी डीलर मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी डीलर की वजह से मेरा बेटा कत्ल हुआ था, 2 साल कबल मुझ पर कातिलाना हमला किया, अब भी मुझे तंग किया जा रहा है, अब मेरे लापता होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सर्दी की लहर, गर्म कपड़ों की तलाश, मार्केटों और बाजारों में कीमतें आसमान पर, लंडा बाजार की रौनकें बढ़ गईं, स्वेटर, जर्सी और जैकेट खरीदने के लिए भावताव, कंबल, चादर, टोपी, दस्तानों और जुराबों की खरीदारी। ग्लोबल मोंटेसोरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पहला कॉन्वोकेशन, 75 से ज्यादा तलबा को टीचिंग तरबियत मुकम्मल करने पर डिग्रियों से नवाजा गया, इंस्टीट्यूट की सीईओ सैयद आसमत जारा कहती हैं अच्छी ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातज़ा ही तलबा को अच्छी रहनुमाई दे सकते हैं। नेशनल पार्क जिमनेजियम में लॉरेट स्कूल के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स डे, बच्चों की एरोबिक्स, रस्साकशी, रेस में दीगर मुकाबलों में शिरकत, दिन भर हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। और लिबर्टी मार्केट में ऑटो शो, चमचमाती गाड़ियों और हैवी बाइक्स की नुमाइश, मोटरसाइकिल्स के दिलदादा अफराद की गहरी दिलचस्पी, मंचलों की खसूसी परफॉर्मेंस देखने के लायक।